तेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट भले ही भर जावे मन नहीं भरता। सासरकाल जी, मैं सिर्फ लाल सिंह चड्डा। जूते बड़े सोने हैं जी, साफ है बिल्कुल, चाहे मुंह देख लो इन्ना विच। मेरी मम्मी कहती थी कि जूते बंदे दा आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, बंदे दे चेहरे से कम ते उदे जूतों से ज्यादा पता चलता है कि वो कैसा बंदा है। पुराने हो गए ना, है कि मैनू यही पसंद है। वैसे तो मैंने लाइफ में बहुत सारे जूते पहने हैं, लेकिन मेरे पहले जूते मैनू आज भी याद हैं। मम्मी कहती थी जादू के जूते हैं वो। लाल रेडी, ये जादू के जूते हैं लाल। कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल।
हम उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे ही नहीं सकते। अब तो जी उसे वो स्कूल में डालो जहाँ वो कम अकल बच्चे जाते हैं। कम अकल नहीं है मेरा लाल, मेरा लाल सब समझता है, थोड़ा वक्त लगता है बस। उसे वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो बाकी बच्चों को मिलती है। बहन जी, एक तो पहले आप स्कूल के चार चक्कर लगा चुकी हैं, उसके बाद आज छुट्टी के दिन मेरे घर आ धमकी। मुझे चर्च जाना है, मेरी काम वाली भाई 4 दिन से गायब है, खाना बनाने वाली किसी के साथ भाग गई है। मैं खाली पेट बर्तन माज रहा हूँ बहन जी, आपको पता ना नौकरों का कितना प्रॉब्लम है। आप प्लीज जाइए यहाँ से और फिर मत आइएगा स्कूल में भी नहीं। खाना बना देंगे, घर की साफ सफाई भी कर दूंगी और बर्तन भी मांज दूंगी। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? वो परदेश में रहते हैं। आप बड़े घर की लगती हैं, सचमुच बर्तन मांजेंगी, खाना बनाएंगी रोज? जब तक मेरा लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा तब तक। आप बिना बहन जी फिकर है तेरी माँ को, तेरी मन लगा के पढ़ना। मेरे स्कूल का पहला दिन, मेरी जिंदगी का सब तो डरावना और सब तो चंगा दिन जी। देख पुत्र, बहुत मेहनत करनी है, जितनी तेरे से हो सकती है उससे थोड़ी ज्यादा। शामी आवांगी ना तेनू लेन वास्ते। रुक जाओ मम्मी, बस आज अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे बैठूंगी, जब स्कूल छूट जाए ते इत्थे आ जाए। चल जा। पहली बार सुनी वो पल मैनू अज भी याद है। यहाँ बैठ जाओ। इतना सोना चेहरा मैं कदी नहीं देखिया सी। क्या देख के रहे हो? बैठ जाओ। साथ साथ रहते, जैसे आलू के साथ गोभी।
तुमको पहली बार मैंने देखा, बार बार फिर से देखा, देख के भी दिल नहीं भरा, मैं की करा तुमसे करके मीठी मीठी बातें, जाग के गुजारूं रातें, बावला हुआ हूँ इस तरह, मैं की करा
उस रात बिजली चली गई जी, पता नहीं कितने और फिर 4-5 दिन तक वापस ही नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक बड़े धमाके हुए, ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही है, भूचाल आ रहा है। मम्मी बहुत रो रही थी। उस दफा हम अमृतसर विच घर से बाहर ही नहीं निकले जी। पुत्र जी, तेरी मासी अब भी अमृतसर नहीं रहती है? नहीं जी, अगले महीने मासी दिल्ली शिफ्ट हो गई जी। मैं पहली बार दिल्ली उन्हीं के घर गया था। मेरी मासी दा मुंडा और उसके दोस्त मैनू बड़े चंगे लगते थे जी। वो फिल्मी गाने लगा के डांस करते थे। Thank you.
शायद वो लोगों को मेरे लंबे बाल पसंद नहीं थे जी, इस वास्ते मम्मी ने मेरे बाल कट दिते। मम्मी ने बताया कि उस दिन जो धमाके हुए थे ना, वो दरअसल गोलियां थी। उन गोलियों से हमारी प्रधानमंत्री मारी गई जी। बहुत बुरे दिन थे जी, मैं भी दिल्ली में ही था उन दिनों। ये भी चमत्कारी समझो कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। आओ जी, मेरी मम्मी कहती थी कि दुनिया में चमत्कार होते हैं जी। अब कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कभी कभी चमत्कार होते हैं जी। दोनों यकीन नहीं आएगा अगर मैं आपको बताऊं कि मैं हवा से भी तेज दौड़ता हूं। उस दिन के बाद मैंने जिथे भी जाना होता मैं दौड़ता, बस दौड़ता ही जाता। रब ने उसनु अमीर नहीं बढ़ाया, पर एक चमत्कार होर हो गया जी। रूपा दी मम्मी ने भाग के शादी की थी।
एक क्रिश्चियन बंदे दे नाल, इसलिए रूपा दी नानी उसके साथ बात नहीं करती थी। रूपा दी मम्मी दे मरण तो बाद पुलिस रूपा नू ले गई उस दी नानी दे पास। और तुहानू पता है रूपा दी नानी कौन थी? साडे घर विच कम करन वाली फूफी। मैं क्या सी ना कि चमत्कार हुंदे हैं। अब रूपा हमारे साथ रहन लगी। मैं बड़ा खुश था जी, पर रूपा बड़ी उदास उदास रहती सी। और रात नू कदी कदी उसनो बहुत डर लगता था। ताओ मेरे साथ आके सो जाती थी। जब हम बड़े हुए ना जी, ता मम्मी ने मैनू ते रूपा नू कॉलेज पढ़न वास्ते दिल्ली भेज दिया जी। रास्ते विच एक बहुत बड़ा रथ जा रहा था जी, बहुत भीड़ सी, ता हम भी रुक गए देखने वास्ते। इनका नाम भी लाल है। अच्छा, लाल किशन अडवाणी। दिल्ली विच भी मैं ते रूपा हमेशा साथ साथ रहंदे सी, जैसे आलू के साथ गोभी। अरे क्या कर रहे हो यार? लेकिन हमारे गांव के कुछ मुंडे भी हमारे कॉलेज में थे। अरे पत्थर क्यों मार रहे हो? भाग लाल भाग। थोड़ा सा भागने के बाद वो लोग मैनू सीढ़ी पे चढ़ा के हार पहना देते थे।
किया। हर साल मैं परेड विच हिस्सा लेता था और रूपा किसी चलने दे कंपटीशन में हिस्सा लेती थी। का जवाब भी नहीं दिया। सॉरी, मेरा स्टेशन आ गया, मुझे जाना होगा। बाय अंकल। मैं भी कॉलेज में थी तब, मुझे याद है वो दिन। कितनी छुट्टियां मिलती थी ना उन दिनों। हाँ जी, और अगर छुट्टियां नहीं भी होती थी तो देश विच मलेरिया फैल जाता था। मलेरिया? आओ जी। बम्बई शहर के अलग अलग इलाकों में दंगे भड़क उठे हैं। इस हिंसा का कारण अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का तोड़ना माना जा रहा है। भारी संख्या में लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। आज सरकार ने कर्फ्यू लागू करने की घोषणा की है। इस हिंसा का तनाव देश भर में महसूस हो रहा है। हेलो लाल। मम्मी, पुत्र अपने कमरे में ही रहना एक हफ्ते तक। की हुए मम्मी? ओ, देश विच मलेरिया फैलिया है। ओ, ओके। लाल, आज प्रैक्टिस पे क्यों ना आया तू? सर, मैं बाहर नहीं आ सकता,
देश विच मलेरिया फैलिया हुआ है। मलेरिया होता है सर। आज दोपहर मुंबई शहर को सिलसिलेवार धमाकों ने हिला दिया। सबसे पहला धमाका दोपहर 1:30 पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ और आखिरी धमाका होटल के एयरपोर्ट सेंटर में हुआ। इसके अलावा यह धमाके से टाइट है। ये देख,
मेरी वाली का कट कैसे फिट होती है और हाथ भी खींचता नहीं है, एकदम फ्री। और तेरी चट्टी भी ना उसका भी कट गलत है, ये देख मेरी वाली। मेरा नाना जी बनाई है, चंगी है जी। हमारा गांव में एक भी ऐसा बंदा नहीं है जो मेरा नाना जी की बनाई हुई चट्टी बढ़िया नहीं पहनता। हथियार रेडी उस्ताद। क्या? माय गॉड, तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया, तुमने कहा नहीं इतनी जल्दी असेंबली से कर दी। अब मैंने कहा था उस्ताद जल्दी करना, इनके टक्के तुम तो जीनियस हो, जीनियस दोबारा करो। जी उस्ताद। आजकल मार्केट में अलग अलग नया मटेरियल मिलता है चड्डी बनियन के लिए। मुझे ऐसी चड्डी बनियन बनानी है जो पसीना से गीली ना हो, बहुत बिकेगी। तू मुझे बताना, ऐसा एक भी बर्तन है देखा जो चड्डी बनियन नहीं पहनता? अरे रास्ते पर घूमता बेघर में और कुछ पहना ना पहने चड्डी कंपलसरी पहनता है। चड्डी बनियन के बिना लाइफ में आराम ही नहीं। चट्टी बनियन देसी लग, ये अलग अलग टाइप चट्टी बनियन बनानी है। सर्दी के लिए एक चट्टी बनियन और गर्मी के लिए अलग चट्टी बनियन, खेलकूद के लिए एक चट्टी बनियन और सोने के लिए एक अलग चट्टी बनियन, स्वागत के लिए एक स्पेशल चट्टी बनियन। तुझे सीखना है? आओ। फिर मैनू बाला ने चट्टी बनियन बनाना सिखाया। पहली बनियान मैंने बाला दे वास्ते बनाई। दूजी उस्ताद जी दे वास्ते। जीनियस। फिर सबने मांगना शुरू कर दिया। ता हर छुट्टी दे दिन मैं चट्टी बनियान बनाता था सब दे वास्ते। अरे जल्दी से टीवी ऑन करो, मिस यूनिवर्स आ रहा है। The first runner up is Miss Columbia. सबसे
डॉक्टर साहब ब्याह करेगी। तुम्हें ब्याह का मतलब भी पता है? आओ चिट्ठी लिखांगा। बल्ला और मेरी ट्रेनिंग 1995 में पूरी हो गई जी। एक साल बाद बाला ने शादी भी कर ली। रूपा ने देखे मैनू 4 साल हो गए सी। याद आ रही है ना मुझे भी। हम सर्विस छोड़ने के बाद वापस जाके चड्डी बनियन बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मेरा पूरा प्लान तय है। देख तुम मैन्युफैक्चरिंग संभालना तो मैं मार्केटिंग करूंगा। शुरू में हमें सिर्फ 1 लाख इन्वेस्ट करना है। 3 मशीन 30,000 में आएंगे। एक तुम चलाना वो बाकी 2 वर्कर्स रखेंगे। तो दिन में 20 चड्डी बनियन सीती हो तो बाकी 2 वर्कर्स 10-10 सीएंगे। मतलब मैंने क्या हुआ 1,000। हमारा सेल दूसरे महीने में शुरू होती है तो भी मैं 800 ऑर्डर इजीली ले आऊंगा। खर्चा वर्चा निकाल कर 3 महीने में प्रॉफिट शुरू हो जाएगा। कैसा है प्लान? चंगा है जी। तो मेरे पार्टनर बनोगी? आओ जी। अगली सुबह हमें एक
मिशन पे भेजा गया जी। उस वक्त हमारी पोस्टिंग कारगिल में थी। कप्तान साहब ने कहा कि कुछ दुश्मन घुसा है, उन्होंने मार भगाना है। अच्छा नहीं लगता है ना? मुझे भी दोनों सेम टू सेम है, दूसरी के साथ जैसे तुम चटे मैं बनिया। बाय बाय। उस इलाके के कुछ लोकल बकरवाला ने हमें बताया कि पहाड़ियां विच पांच छह दुश्मनों ने एक बंकर बना लिया है जी। बकरवाल हमारे साथ आए जी रास्ता दिखाने वास्ते। मैं मेरे नाना जी दे बारे सोचन लग गया, वो भी ऐसे ही किसी जंग विच गए होंगे। बंदियां दी दो छोटी छोटी टीम्स बना के कवर फायर दे वास्ते बाएं ते दाहिनी तरफ भेज दी, और बीच वाली वड्डी टीम अटैक वास्ते। बाला ते मैं अटैक टीम विच थे जी। पत्थरां दी आड़ लेके हम ऊपर चढ़न लगे। वापस फायर यहाँ 0.392 पर 5 मिनट में होने वाली है। वापस फायर के तुरंत बाद
हम एक बार फिर अटैक करेंगे। आज ये संगर हम लेकर आएंगे। घबरा मत,
कुछ नहीं होगा। जाके बिजनेस शुरू करना सी, लेकिन वो करगिल दी एक पहाड़ी उत्ते मर गया। जंग खत्म हो गई, सारे बहुत खुश थे कि हम जीत गए। मैंने तो सिर्फ बाला दी याद आ रही थी। अंकल वो गोली थी ना, वो जो मधुमक्खी ने काटा था वो गोली थी ना? ओ आओ जी, कहाँ लगी थी गोली? बम पे, दिखावा। नहीं नहीं ठीक है ठीक है। बम पे गोली लगन दा एक फायदा है जी, कुल्फी। मैं एक दिन विच 18 कुल्फियां खा जाता था। सत श्री अकाल जी, मैं सिर्फ लाल लाल सिंह चड्डा। सत श्री अकाल मोहम्मद पाजी, कुल्फी कुल्फी मोहम्मद पाजी ले लो जी। मेरी सारी चिट्ठियां वापस आ गई थी। शायद रूपा बहुत दिन से कार नहीं गई थी। भाई गुड न्यूज़ है, रोहित कुमार की डेट मिल गई है अगले महीने से। मुबारक हो भाई। यस यस, तुझे रोहित की हीरोइन बनना है मेरी।
उसको देखा किसी ने? सवेरे से गायब है, कुछ गड़बड़ है। रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा उसको, जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी गलत। और अब गायब किसको उठा के लाए थे लाल जी? सर जी, नायक लाल सिंह चड्ढा, तुम्हें कमांडिंग ऑफिसर ने बुलाया है। नायक लाल सिंह, पांच लोगों की जान बचाने के लिए तुम्हें वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है, तुम्हें दिल्ली जाना होगा। जो हो सर। और वैसे तुम्हारे पिछवाड़े का क्या हाल है? कभी कभी दुखता है सर। तुम्हारी रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारी मेडिकल कैटेगरी परमानेंटली डाउनग्रेड कर दी गई है, अब तुम कभी किसी दूसरी जंग में हिस्सा नहीं ले सकते। और अगर तुम चाहो तो मेडिकल ग्राउंड्स में आर्मी से डिस्चार्ज ले सकते हो, मैं प्रूव कर दूंगा। तब तक तुम हमारी रनिंग टीम के असिस्टेंट कोच बन जाओ। जो हुकुम सर। वेल डन माय बॉय, देश को तुम पे गर्व है। थैंक यू सर। दिन की रोशनी में गंभीरता से सटी गोलियों की बौछार के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए नायक लाल सिंह चड्ढा ने पांच जाने बचाई। ऐसे शूरवीर को भारतीय सेना का सलाम। नायक लाल सिंह चड्ढा। तेरे नाना जी होते ना तो बहुत खुश होते। अब आगे की सोचा तूने लाल? यहाँ से मंजीत मासी देख कर जावांगा, कल से फिर ड्यूटी करांगा, उस दे आगे पता नहीं। लाल तू फौज तो डिस्चार्ज ले ले, कर आ जा। आओ जी।
मारना नहीं चाहिए था। चुप करो लाल, तुम्हें कुछ नहीं पता। चलो ना। इसने तेनु मारना नहीं चाहिए था। शट अप लाल। चलो जाओ, छोड़ दो इसे, माफ कर दो। तेरी किस्मत अच्छी है, अपन आर्मी की इज्जत करते हैं। चलो जान, चलो। इतने दिनों के बाद मासी ने घर आया है, कुछ बोल भी नहीं रहा। सब ठीक तो है? हेलो, अरे रूपा, इतने दिनों बाद। हाँ लाल, यही तो है, ले बात कर। हेलो लाल, वो दोस्तों के साथ बाहर गया है, सवेरे लौटेगा, मुझे इंडिया गेट पे मिलोगे? हाँ जी, आओ जी। तेनु मारना नहीं चाहिए था रूपा। वो मुझे बहुत अच्छे से रखता है, अपनी अगली फिल्म में मुझे हीरोइन बनाने वाला है, बस गुस्सा खराब है उसका। मैं तेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता। मैंने तेरा बॉयफ्रेंड बनना था। अच्छे लग रहे हो यूनिफॉर्म। इतने सालों बाद दिल्ली विच फिर एक साथ तेरे, चंगा लग रहा है। मुझे हम रात भर चलते रहे जी, रूपा ते मैं बस बातें करते रहे। उसने बताया कि वड्डी फिल्मा विच काम कीता, पूरी दुनिया देखी, बहुत मशहूर लोगों से भी मिली। सब उसको बहुत मानते थे। उसने बताया कि वो बहुत खुश है लाइफ विच, बड़ा मजा आ रहा था उसमें। फर्स्ट क्लास लाइफ थी जी उसकी। I'm not afraid to die.
मुझे चलना चाहिए। आज हम दुबई जा रहे हैं। तेनु दुबई नहीं जाना चाहिए। तो कहाँ जाना चाहिए? कार चल। तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों बोला? क्योंकि तुम मेरी रूपा है। ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ।
तो मैनू डिस्चार्ज मिलन दे बाद मैं घर वापस आया। मम्मी नू बड़ा चंगा लगया ते मैनू ही कुछ दिन बाद मन किया कि बाला दे घर वालों से मिलन वास्ते जाऊं। ता मैं बुड्ढी पालम गया जी उस दे गांव उसकी घरवाली से मिला मैं। उनका तातैया का डेथ हो गया। तातैया ग्रैंडफादर ओ नाना हां और हमको टेलरिंग का भी कुछ नहीं मालूम। अम्मा ने बम्मा चीरे बागुंदी नाना गांव वालों ने बाला दी समाधि बनाई थी जी मैं उठी भी गया। ये देख बाला तेरी कापी वीरे अभी मेरे पास है। अपना वादा मैं भूला नहीं हूँ। जो शुरू में 1,00,000 रुपए चाहिए ना उसमें से कुछ तो मेरे पास है और बाकी मैंने मम्मी से बात की है। और तुम बिल्कुल फिक्र ना कर वीरे और तेनू पता है अपनी फैक्ट्री कहाँ शुरू हो रही है रूपा दे कमरे में। मैंने रूपा दे मोहम्मद पाजी नू खत लिखिया कि मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ।
मैंने 3 मशीनें खरीदी, कपड़ा खरीदा, 2 टेलर काम पे लगा दिए। मैं एक दिन विच 20 सेट सीता था और वो दोनों 10-10, मतलब एक दिन विच 40 सेट। एक महीने विच 1000 सेट बन गए जी, ठीक वैसे ही जैसे बाला ने कहा था। बहुत अकलमंद था जी बाला, जैसे उसने प्लान बनाया था ठीक वैसे ही होया। हमें तो चट्टी बढ़ियान बनाने में बहुत मजा आ रहा था, तो हम बनाते गए। बस उसने जो आखिरी पन्ने पे लिखा था वो नहीं हो रहा था जी, पता नहीं क्यों हम महीने दे 800 सेट नहीं बेच पा रहे थे। पता मैंने खेती का काम आंदा है, ए चट्टी बनियान का नहीं। और फिर अचानक एक दिन पता है कौन आ गया? शुक्रिया मोहम्मद पाजी पाजी, तुसी इतने की कर रहे हो? सोचा थोड़ी सिलाई मशीन चला दूं। पर पाजी तुम्हारे तो पैर नहीं है ना? पता है मुझे बेवकूफ, तुमने खत लिखा था मुझे, बाला अंडरवियर बनियान। क्या बात, सचमुच बन गए तुम बिजनेस में। हाँ जी, तुम्हें आ गया तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजर बनने, वादे का पक्का हूँ डालमिया। स्टॉक किधर है? अब तक एक भी सेट नहीं बिका। 5 सेट बिके हैं जी, मम्मी ने खरीदे मेरे वास्ते। मोहम्मद पाजी ने मैनू आइडिया दिया, हमने एक पे एक सेट फ्री बेचना शुरू किया। फिर भी हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकिया था, मोहम्मद पाजी ने किया के एक पे 2 फ्री देते। फिर भी माल नहीं बिकिया था, हमने एक पे 3 फ्री देना शुरू किया। जब फिर भी हमारा माल नहीं बिकिया था, हमने नया माल बनाना ही बंद कर दिया। पेंदे, ओ पेंदे, अरे अरे ये दे पेंदे। लड़की लड़की का नाम देते हैं अपने प्रोडक्ट को। की गल करते हैं पाजी, ऐ तो मर्दों का प्रोडक्ट है। मर्द हो क्या चाहिए लाल मियां, लड़की तो चाहिए। लिखो लिखो किसी लड़की का नाम लिखो। लिख लाले। सॉरी बाला वीरे, मैनू ता बस एक ही कुड़ी दा नाम मालूम था, दुनिया दा सब तो सोना नाम रूपा। परेगी बात लाल मियां, तुम परेगी बात। ते सचमुच चमत्कार हो गया जी, सड्डा प्रोडक्ट काफी बिकन लग गया, रूपा अंडरवेयर बनियान। देखते ही देखते 3 सिलाई मशीन से 9 मशीनें हो गई जी। हाँ, फिर हमने एक वट्टी जगह ले ली, फिर जी उस तो भी वट्टी। आज हमारी कई सारी फैक्ट्री हैं जी, और हमारा हेड ऑफिस दिल्ली विच। बहुत पॉपुलर है हमारा प्रोडक्ट, शायद आपने भी पहनी होएगा। हाँ, एक मिनट, क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप रूपा कॉर्पोरेशन के मालिक हैं?
आओ जी। मैडम देखिए हम एक करोड़पति के साथ बैठे हैं, वो भी सेकंड क्लास नॉन एसी में। ऊपर कॉर्पोरेशन देखो चल। बड़ी दिलचस्प कहानी है तुम्हारी बेटा, और तुम सुनाते भी कितना अच्छा हो। थैंक यू जी। तुसी मोहम्मद पाजी दी फोटो देखनी है? जरूर। ए देखो जी, इंडिया टुडे ने मोहम्मद पाजी और मैनू अपने कवर पे छापा था। मुझे भी दिखाइए सर। कुछ साल पहले हमें अवार्ड मिला था जी, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। स्मार्ट लग रहे हैं ना मोहम्मद पाजी सूट में? रूपा कॉर्पोरेशन। हाँ जी, रूपा कॉर्पोरेशन। मैंने रूपा कॉर्पोरेशन के मुनाफे विच दो हिस्से बना दिए। मोहम्मद पाजी मैनू बेवकूफ कहते हैं, पर हर साल एक हिस्सा बारा दी करवाली नू जाता है। मोहम्मद पाजी ने मेरा हिस्सा कोई तवेले विच लगा दिया जी। वो कहते हैं कि अब मैनू पैसे दी चिंता करन दी जरूरत ही नहीं है जिंदगी पार। बड़े चंगे इंसान है मोहम्मद पाजी। मम्मी बाला और रूपा के बाद मेरे सबसे चंगे दोस्त। दोस्त मिल गया।
दरअसल मलेरिया हो गया था मुझे। तूने मुझे तो बचा लिया पर वहां अब भी मलेरिया फैला हुआ है। मुझे से कितनों को बहकाया जा रहा है, दुश्मनी सिखाई जा रही है। से पहले उन्होंने रूपा कॉर्पोरेशन नू संभालन वास्ते बहुत स्मार्ट लोगों को नौकरी पे रख लिया। बाला ते रूपा दे साथ साथ अब मैं मोहम्मद पाजी नू भी मिस करन लग गया। कहती थी कि थोड़ी जरूरतें पूरी होने के बाद भी जो भी थानू मिलता है वो समझ लेना कि वाहेगुरु ने वो थानू किसी और दे वास्ते दिता है। तो मैं जी मम्मी के नाम पर एक अस्पताल खोलिया। उसकी देखभाल हमारे पुराने डॉक्टर साहब करते हैं। वहाँ सबका इलाज मुफ्त होता है जी। मम्मी चल बसी तो खेती संभाल वास्ते कोई नहीं बचिया। मैं अगर फैक्ट्री संभाल वास्ते चला जाता तो काम करने वाले मजदूरों का की होता। तो मैं वापस ही नहीं गया जी।
घर विच रह के खेती करन लग गया। दिन भर तां काम विच उलझा रहिंदा सी, पर जैसे ही रात हो जाती थी रूपा दी याद सताने लगती। रूपा नू देखे मैनू बहुत साल हो गए थे, मैनू उसकी बहुत याद आती सी। फिर एक दिन वो वापस आ गई जी अचानक। मैंने उस दे वास्ते मम्मी का कमरा साफ किया, लगता था बहुत थक गई थी वो। पहले कुछ दिनों तो बस सोती रही दिन भर रात भर। मैंने उसनु सारा कुछ बताया, बाला मोहम्मद बाजी फैक्ट्री ते रूपा कॉर्पोरेशन। मैंने उसनु बताया कि अब उसनु पैसे दी चिंता करन दी कोई जरूरत ही नहीं है। उसे जितने पैसे चाहिए थे मैं दे सकता था, पर अब उसनु पैसे नहीं चाहिए थे। वो ज्यादातर खामोशी रहती, बस एक बार जब हमारा नौकर दारू पी के घरवाली नू पीट रहा था तां उसने जाकर बहुत गालियां दी, उसनू पीटा और फिर खुद ही रोती रही बहुत देर तक। हम साथ साथ खेत विच काम करते थे, दिन भर साथ में रहते थे, जैसे आलू दे साथ गोभी। मैनू वो पुरानी वाली जादूगरनी मिल गई जी, जो
एरोप्लेन नू पकड़ के जेब विच रख लेती थी। उसने जी मैनू डांस करना सिखाया। ऐसा लगने लगा कि हम दोनों अपने आप में एक फैमिली थे जी। वो मम्मी ते मैं पापा। ओए होए, मैनू अपनी लाइफ विच इतनी खुशी कदी नहीं मिली जी। उस साल दिवाली ते उसने मैनू सब तो वधिया गिफ्ट दिता।
दौड़न लग गया, पता नहीं क्यों, बस मन किया। मैं मेन रोड तक दौड़िया, फिर सोचा मार्केट तक दौड़ता हूँ। मार्केट तक पहुंचा तो सोचा शहर तक दौड़ लेता हूँ। जब शहर भी पीछे छुट गया तो मैं सोचा थोड़ा और आगे तक दौड़ लेता हूँ। दौड़ते दौड़ते मैं इतना आगे निकल गया कि अद्धा पंजाब ही निकल गया जी। मैं सोचा कि ठीक है पूरा ही दौड़ लेता हूँ। रुकन का मन ही नहीं कर रहा सी, तब बस फिर मैं उस तो बाद बस दौड़ते ही गया जी, दौड़ते ही गया। समुंदर आया तब मुड़ गया, फिर एक और समुंदर आया, फिर मुड़ गया। पहाड़ियां आई तब मुड़ गया, बस दौड़ता रहा। महीनों पहले मुंबई पुलिस की स्पेशल टीम ने अब्बास हाजी की गर्लफ्रेंड रूपा डिसोजा को पंजाब के एक छोटे गांव से अरेस्ट किया था। रूपा डिसोजा की इंफॉर्मेशन की मदद से आज पकड़ा गया अब्बास हाजी। मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा पदे बारे। तू आप सवाली है, आप ही पयंबर है, तू खुद है तमाशा भी, आप ही कलंदर है, बेकार तलाशे तू दरगाह में शिवालों में, जिस यार का तू ढूंढे छोड़ रंग दिया।
हाजी और रूपा डिसोजा केस। 90 दशक की मॉडल रूपा डिसोजा की मदद से पकड़ा था अब्बास हाजी को। अब्बास हाजी को आज 5 मर्डर केस में उम्र कैद की सजा और इस केस में अप्रूवल रूपा डिसोजा की मदद को मद्देनजर रखते हुए 6 महीनों की छोटी सजा सुनाई गई। अब आगे बढ़ते और मिलते हैं देश भर में दौड़ लगाने वाले एक अतरंगी शख्स से। लाल सिंह जी, क्या आप वर्ल्ड पीस के लिए दौड़ रहे हैं? लाल सिंह जी, क्या आप नारी शक्ति के लिए दौड़ रहे हैं? लाल सिंह जी, क्या आप पर्यावरण के लिए दौड़ रहे हैं? एक दिन कुछ टीवी वाले मेरा फोटो लेने लग गए। अरे दादा दादा दादा, आपको मैंने टीवी पर दौड़ते हुए देखा। मैंने तो अपने अपने वाइफ से कहा कि इस बंदे में कुछ बात है। दादा दादा, ये आपको तो सब कुछ पता है, मैंने आपसे वाइफ से कहा। दादा, आप जहाँ जहाँ दौड़ेंगे मैं भी आपके पीछे पीछे दौड़ना चाहता हूँ। दादा, उस दिन तो बाद एक बंदा मेरे पीछे पीछे दौड़न लग गया, ते फिर कुछ और लोग मेरे पीछे दौड़न लग गए, ते फिर कुछ और। कह रहे थे कि उन्होंने मुझसे कुछ उम्मीद मिलती है। उम्मीद के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पता, मैं तो बस दौड़ रहा था। हो लिख ले इस बात को, सच्चा दिलदार तो वही है जो दिल भर को आजाद कर सके। जैसे कि आपने देखा कि लाल सिंह जी थक गए हैं, घर वापस जा रहे हैं अपने, और आपको ऐसे अजीब गरीब कहानी। अजीब पागल आदमी है, बने रहिएगा समाज प्रचार के। पागल नहीं है। निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभा
लाल सुनो, रिलैक्स रिलैक्स, तुमने कुछ
गलत नहीं किया लाल, लाल मुझे देखो सब कुछ सही है देखभाल करांगा
बरसी है तेरी कैसी है तू? मैं ठीक हूं, अमन भी ठीक है, बहुत चंगा बच्चा है जी, वो अपना सारा काम खुद करता है। कल से नवे स्कूल भी जाने वाला है, अपना पुराना स्कूल। मैं उसको टिट्टी सिखा रही है और सिलाई भी, जो होती तो एरोप्लेन पकड़ना सिखा देती। वो मैनू कहानियां पढ़ के सुनाता है, बहुत स्मार्ट है। तेरे वास्ते चिट्ठी लिखी है उसने, मैनू पढ़ना मना है, तू पढ़ लेना बाद में। तेनू बहुत याद करता है, मैं भी। फिर हम हवा में चाहे वहीं उड़ते फिरते हैं यहां से वहां।
पता। शायद दोनों ही थोड़ा थोड़ा। तू होती तो समझा देती।
क्या